नमस्कार, आप देख रहे हैं इवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,25,00,000 के पार। अब तक 7,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत, तो दुनिया भर में 1,52,00,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए ठीक। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,00,000 के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 53,000 के पार। कोरोना के अब तक 20,96,000 मरीज हुए ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा। चौथी बार सफाई में देश का नंबर वन शहर बना इंदौर। सूरत को दूसरा जबकि नवी मुंबई को मिला तीसरा स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम जारी। सिटीजन फीडबैक में देश में नंबर वन रहा डूंगरपुर। 4,242 निकायों में हासिल किया पहला स्थान। राजस्थान की एकमात्र स्टार सिटी का अवार्ड मिला। स्वच्छता में देश में 10वें स्थान पर रहा डूंगरपुर। जयपुर शहर को 28वें रैंक मिली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल बोले, राजीव गांधी अपने समय से काफी आगे के व्यक्ति थे। सबसे बढ़कर वो एक दयालु इंसान और प्यार करने वाले इंसान थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सीएम गहलोत ने किया नमन। ट्वीट के माध्यम से राजीव गांधी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। दूरदर्शी सोच के धनी, भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जन्मदिवस पर शत शत नमन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, वृक्षारोपण अभियान का हुआ शुभारंभ। मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने किया शुभारंभ। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का पाली के सोजत का दौरा। शिवजी सिंह कछवाहा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। राजीव गांधी के चित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने की पुष्पांजलि अर्पित। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे साथ। डूंगरपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। पौधारोपण के बाद गोष्ठी का हुआ आयोजन। राजीव गांधी के जीवन और देश में विकास के उनके योगदान पर विचार प्रकट किए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव लंबे समय बाद इटावा का दौरा करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनाए गए लाइन सफारी का जायजा लिया। यूपी सरकार पर साधा निशाना। पहले इंसान की पकड़ होती थी, अब बसों को हाईजैक किया जाने लगा। यूपी के आगरा में जूनियर डॉक्टर योगिता के अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या। मेडिकल ऑफिसर हिरासत में। गोरखपुर में 70 साल की वृद्धा की गला रेतकर की हत्या। 2 दिन पहले बीमारी से हुई थी पति की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इटावा में पुलिस के सामने अपराधी ने पेट्रोल डाल खुद को लगाई आग। बचाने में दारोगा भी झुलसे। जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के रामपुर में पुलिस के डर से युवक ने नदी में लगाई छलांग। ग्रामीणों ने बचाया, हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। भोपाल में इनकम टैक्स के रेड। चूना भट्टी के फेथ बिल्डर्स पर मारा छापा। राघवेंद्र सिंह तोमर है फेथ बिल्डर्स के मालिक। अधिकारियों और बिल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पर थी आईटी की नजर। एमपी के देवरी में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौत। एक बच्चे की गंभीर हालत, जिला चिकित्सालय रेफर किया। गोर और झामर थाना के चरुगा तिगड्डा फोन लाइन रोड की घटना। सोने चांदी में उतार चढ़ाव का दौर जारी। सोना चांदी के भावों में हुई जोरदार गिरावट। शुद्ध सोने में प्रति 10 ग्राम 1,000 रुपए की गिरावट। चांदी में प्रति किलो 500 रुपए की गिरावट। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश। कई इलाकों में हुआ जलभराव। जलजमाव से लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने किया आगामी 5 दिन के लिए अलर्ट जारी। अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू, जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में आज से शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ। सीएमआर से हुई योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग। सीएम गहलोत ने विभिन्न शहरों के लाभार्थियों से किया संवाद। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भी इंदिरा रसोई का उद्घाटन। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर रहे मौजूद। 5 और 11 नगर पालिका क्षेत्रों में एक एक इंदिरा रसोई का होगा संचालन। अलवर के रामगढ़ में इंदिरा रसोई का उद्घाटन। विधायक साफिया जुबेर ने गाड़िया लोहार परिवार को खुद खिलाया खाना। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में इंदिरा रसोई का हुआ उद्घाटन। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण प्रजापति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। गरीब और जरूरतमंद लोगों में अब मात्र 8 रुपए में खाना मिलेगा।
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस, 690 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,970 के पार। कोरोना से अब तक 915 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अपील, खुद के स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखने की अपील। कोरोना काल में लापरवाही नहीं बरतने की अपील। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना संक्रमित। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट, सीएम गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना। बारा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर फिर दो दिन बाद होगा लॉकडाउन। जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने दिए संकेत, लॉकडाउन में मिली दो दिन की छूट के बाद बाजारों में बिगड़ी अव्यवस्था। भिवाड़ी में कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा, संक्रमित मरीजों की संख्या 1683, क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करवाई जा रही। अजमेर के नसीराबाद में कोरोना की सैंपलिंग लेना हुआ तेज, अब तक 5,131 लोगों की जा चुकी है सैंपलिंग। 151 दिनों में 140 लोग निकले संक्रमित। कल से फिर शुरू होगा विधानसभा का पांचवां सत्र। सत्र को लेकर कार्य सलाहकार समिति की हुई बैठक, विधानसभा की कार्य योजना तैयार। विधानसभा से चार विधायकों के नदारद होने का मामला, बीजेपी के चारों विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा। गुलाबचंद कटारिया ने विधायकों से वन टू वन मुलाकात की। अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन डिपो का शुभारंभ, श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने शुभारंभ किया। अन्य सुविधाओं के लिए 5 लाख रूपये विधायक कोटे से देने की घोषणा। कोटा में मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व में हार्ड इंक्लोजर की दीवार टूटी, एमटी वन बाघ इसे इंक्लोजर में विचरण कर रहा है। बाघ बाघिन की मौत के बाद भी अधिकारी नहीं हुए गंभीर। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार दो लोगों की मौत, एक महिला घायल। जोधपुर में महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, निजी ट्रैवल एजेंसी की बस के कंडक्टर ने छेड़छाड़ की, महिला ने कंडक्टर की धुनाई कर दी। भीलवाड़ा में कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों का सम्मान, नगर परिषद उपसभापति मुकेश शर्मा ने किया सम्मानित, सफाई कर्मियों को माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। डूंगरपुर में हेड कांस्टेबल के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन, आईजी विनेता ठाकुर की मौजूदगी में हुई परीक्षा, सफल कांस्टेबलों का होगा साक्षात्कार। सीकर के अजीतगढ़ में शराब ठेकेदारों के हौसले बुलंद, ओवर रेट में मिलती है 24 घंटे शराब, रात में शराब के ठेके के शटर डाउन करके खिड़की से बेचते हैं शराब, आबकारी विभाग पर लगा मिलीभगत का आरोप। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना में वृद्ध हुआ गंभीर रूप से घायल, विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने घायल वृद्ध को पहुंचाया अस्पताल। हरमाड़ा में बारिश का पानी लोगों के लिए बना आफत, सीकर रोड पर 14 नंबर पुलिया के पास लगा जाम, लोग जाम के चलते हुए परेशान। देवली पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, प्रशिक्षु आईपीएस वंदिता राणा ने ली बैठक, त्योहार आपसी प्रेम सौहार्द के साथ मनाने की अपील। सिलिकोसिस पीड़ितों को लेकर राज्य सरकार गंभीर, डेगाना में तहसील स्तरीय शिविर का हुआ आयोजन, उपखंड अधिकारी ने दिए उचित दिशा निर्देश। श्रीकरणपुर में टूटी सड़क दे रही हादसों को न्योता, 600 गांव की मुख्य सड़क हुई जर्जर, प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। जैसलमेर में पहली बार नहीं भरेगा बाबा रामदेव का मेला, बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना हुई, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया फैसला। माउंट आबू में तेज बारिश, सभी झीलों में पानी की आवक तेज हुई, नक्की झील में ओवरफ्लो होने की आशंका। सादुलपुर में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। राजसमंद के भीम में विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने ली अधिकारियों की बैठक, कोरोना महामारी को लेकर लिया फीडबैक, समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। बूंदी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया, विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने अपनी राय रखी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड में पुलिस की कार्रवाई, गाड़ी चोरी होने के मामले में दो आरोपियों को दबोचा बोलेरो, गाड़ी को भी जब्त किया। बगरू के नेपटा बांध से निकलने वाली नहर की जमीन पर अतिक्रमण, प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को ध्वस्त किया, ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा था।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।